अगले कॉलर हैं हरियाणा से हमारे साथ डॉली। स्वागत है डॉली जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मेरी पूरी बात सुन लेना आप, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ बोलिए। मेरे को है ना पेट में इतना पारा भी रहता है और गैस भी बहुत ज्यादा बनती है, सांस भी नहीं होता, पेट और पैरों में बेचैनी रहती, पूरी बॉडी मेरी काम नहीं करती, ऐसे बेचैनी सकती रहती है, जी भी दुख रहता है, सिर में भी दर्द है, पैरों में भी, और सारे बाल है वो सारे झड़ रहे हैं, फेस पे भी जैसे पिंपल निकल के उनके गड्ढे हो जाते हैं ना वो वाले हैं, वजन भी मेरा बढ़ रहा है, तो 5-7 साल से ये दिक्कत है, ये बढ़ती जा रही है, कोई सब तरह की दवाई है भी कोई आराम नहीं हो रहा मेरे को, तो ये मंगवाया था कलौंजी नमक तो मंगवाया था, अब ये ही नहीं पता अभी ये ठीक है मेरे लिए या कैसे यूज करना है इसका। ठीक है ठीक है। अच्छा थायराइड का टेस्ट अगर नहीं कराया हो तो आप करा लें। ये सब जो वो हैं आपको प्रॉब्लम, थायराइड भी हो सकता है आपको, तो एक बार करा लें थायराइड का टेस्ट। और ये कलौंजी नमक आप आधा ग्राम पानी में मिलाकर पिए एक बार कम से कम, और ज़रूरत पड़े तो दो बार भी ले सकते हैं। इसे लेना शुरू करें, आपकी जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपकी एसिडिटी, गैस और अनइजीनेस ये सब ख़त्म होने लगेगी। पहले इसको ठीक कर लीजिए, फिर दर्द के लिए आप गौंद स्याह लेना। जब ये ठीक हो जाए तो गौंद स्याह लेना और वो आधा आधा ग्राम खाना, फिर आपको पूरी तरह फ़ायदा मुमकिन है। आपके बाल भी रुक जाएंगे और आपका पेट भी ठीक रहेगा, दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। सब्र करना थोड़ा सा और आपका ठीक होना मुमकिन है।